हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग तैयार हैं, देख सकते हैं मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी हुई है, रेडी है। मम्मी तैयार हो रही हैं, बच्चे रेडी हो चुके हैं और शाम का टाइम हो रहा, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। तो आज मैंने ये कॉटन वाली साड़ी वेयर करी है और गर्मियों में कॉटन ही बेस्ट रहता है, वरना और कोई कपड़ा तो पहनना भी बहुत ही मुश्किल है। और मम्मी तैयार हो रही हैं, अक्षत आद्या अंदर हैं दादी के पास, और थोड़ा बहुत मैंने स्नैक्स कुछ पैक कर लिया है क्योंकि यहाँ पे आसपास हमारे घर के पास मनगढ़ पड़ता है, वहीं हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो इधर वाला डोर बंद कर लेते हैं। तुम दादी का फ़ोन लिए हो क्या? अक्षत दादी का फ़ोन लियो, लाओ थैला ले। किचन की पहले लाइट बंद कर देती हूँ, और किचन की लाइट बंद कर देते हैं, गेट वगैरह सब लॉक कर लेते हैं। तो चलते हैं। सिंदूर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, लग रहा अब पछतावा हो रहा है, ऐसा ना हो इतनी तेज़ गर्मी में बहना शुरू हो जाए, पूरे चेहरे पर आ जाए। इधर की लाइट बंद कर दूँ इस साइड से? इतनी गर्मी है, इनको घूमने की लगी है, आईने को लेके हम आज जा रहे हैं। इनकी तबीयत अभी अचानक से इनको लगा है। सब लोग रेडी हो चुके हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं। और बाहर ग्राउंड में ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो मिट्टी वगैरह डलवाई गई है, वो इसलिए क्योंकि कहीं पे ज़मीन ऊंची है और कहीं पे कम मिट्टी थी, तो उसको लेबल करने के लिए इस तरीके से मिट्टी डलाई गई है। और देख सकते हैं हस्बैंड जी, बच्चे, मम्मी सब आगे आगे जा रहे हैं, और पानी वगैरह हमने अच्छे से रख लिया है क्योंकि धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा है। धूप तो खैर नहीं है, शाम का टाइम है तो धूप तो जा चुकी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पानी की तो ज़रूरत पल पल पड़ ही रही है। और वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, बारिश होने के चांसेस भी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको हम अपने साथ घुमाते हैं मनगढ़, क्योंकि मनगढ़ काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे भक्ति धाम मनगढ़ के नाम से ही फेमस है कुंडा की ये जगह। और इसका बिल्कुल जो लुक है मंदिर का, मनगढ़ मंदिर का, वो बिल्कुल कृपालु जी महाराज का जो प्रेम मंदिर है और रंग मंदिर है वृंदावन में, सेम वैसा ही है। तो देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं, पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया है और यहाँ पे लग गया है जाम, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है इस एरिए में, तो शाम के समय सभी यहाँ पे घूमना पसंद करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अभी इस टाइम पे जाम लग गया है। देख सकते हैं पूरे ई रिक्शा वाले पूरा लाइन लगाए हैं, कार वाले जो जैसी सुविधा से आया है वो ऐसी सुविधा से रिटर्न हो रहे हैं। तो देख सकते हैं, आपको भीड़ देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छी जगह है और लोग यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं, सभी तरह के लोग यहाँ के इंजॉय करते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं भक्ति धाम मनगढ़, और ये मेन गेट है, यहीं से हमको एंट्री लेनी है। और यहाँ पर सामने काफ़ी सारी शॉप्स हैं, एकदम पूरा पूरी बाजार टाइप शाम को लगता है। तो अब ये
मेरी बिंदी ही गिर गई, दाढ़ी में पतन पसीने से गिर गई हूँ। सच बताऊँ यहाँ आने के बाद ना मेरा फेस मुझे काफ़ी सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि जब कैमरा ऑन कर रहे हैं तो फेस दिख गया मेरे को और बिंदी ना मेरी निकल गई, क्योंकि माथे पे ना जैसे जरा सा भी स्वेटिंग होती है ना तो तुरंत निकल जाता है हाथ से अगर रब कर दो तो देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में, एंट्री कर चुके हैं और धीरे धीरे हम बंदर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग रिटर्न हो रहे हैं दर्शन करके घूम करके मंदिर, और कुछ लोग जा रहे हैं। और ये सामने जो महाभारत काल की अश्व और जो श्री कृष्ण और अर्जुन वाला ये रथ है वो यहाँ पे बनाया गया है और किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया तो अच्छा लग रहा था। और अब देख सकते हैं पहुंच गए हैं हम सामने, आपको दिखाते हैं मंदिर। और यहाँ पे अभी मेन जो मंदिर है सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, तो मेन मंदिर पे आ गए हम लोग। और बाद में ये सबसे पहले यही वाला मंदिर बना हुआ था, बाद में ये आसपास के जो और मंदिर हैं वो सब बाद में बन करके रेडी हुए हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम पहले से आ रही हूँ, सोचिए जब हम लोग प्रयागराज में रहते थे मेरी शादी के पहले ये टेम्पल बन गया था और उस टाइम भी उतना ही पॉपुलर हुआ था स्टार्टिंग में, और अब तो बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई है। अब तो हर कोई जो भी जितने भी रिलेटिव्स आते हैं ना आसपास के जगहों में जो कोई भी रहता है इस एरिए में और उनके जो भी रिलेटिव्स आते हैं वो सारे भक्ति धाम मनगढ़ घूमने ज़रूर आते हैं। तो स्टेयर से हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर भी प्रतिमाएं हैं, नीचे राधा कृष्ण की हैं और ऊपर जो है श्री राम और जानकी की हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम स्टेयर से नीचे आ रहे हैं और साइड में इधर भी बहुत सारी कान्हा जी की झांकी की प्रतिमाएं हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम टेम्पल के आसपास घूम लेते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ आसपास में तो वहाँ सब कुछ घूम लेते हैं। और बाहर आ गए हैं, बच्चों को लगी थी यहाँ पे प्यास तो पापा खड़े होकर के पानी पिला रहे थे इन लोगों को। और हम आ गए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया व्यू था मंदिर के आसपास का कि आने के बाद ना मन ही कर जाता है कि एक फ़ोटो तो बनती है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने ली और उसके बाद फिर Oh, 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 oh
हम लोग वापस आ गए हैं। वापस आकर के कुंडा में हमने पी क्षीर सागर की लस्सी, जो कि मन कर रहा था क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है, और साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए कुछ और चाट टिक्की खाने का मन नहीं कर रहा था या कुछ और इस टाइप का स्नैक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इन चीज़ों को खाने में इस टाइम पे यही है कि हाइजीन के पर्पज से और दूसरा जो है गर्मी के कारण चीज़ें ख़राब जल्दी हो जाती हैं और उसके कारण लोग बीमार हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा खाइए जिससे आप हेल्दी रह सकें और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लस्सी ही पी। और अब हम लोग पहुँच गए हैं घर, रात के बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो चलिए फिर घर आने के बाद सब थक गए हैं और थकने के बाद अब खाना किसी का पता नहीं, देखते हैं किसी का खाने का मन करेगा तो कुछ बनेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि इस गर्मी में ना तो शाम के समय वैसे भी भूख नहीं लगती है। और अक्षत काफ़ी ज़्यादा खुश है, खूब इन्होंने इंजॉय किया और इनका तो पार्क जाने का मन था क्योंकि बच्चों का जो स्पेशल अटेंशन होता है कि हम पार्क जाएं और उस पर खेलें, झूला वगैरह झूलें, तो उन सब में इनका दिमाग था, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं। लौट करके हम लोग आ गए हैं, अभी 9:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग लेट से ही निकले थे क्योंकि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा शाम हो जाती है, लाइट वगैरह चल जाती है मंदिर में तो अच्छा। ये वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।